नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं अभय विशाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कौन मारेगा बाजी में। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दी हैं। ऐसे में पार्टियों द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कौन सा नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या पकड़ रखता है। चलिए बात करते हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र की और देखते हैं किस पार्टी का कौन सा नेता चुनावी मैदान में है और अपने क्षेत्र में क्या पहचान रखता है। चकाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमुई जिले में है या जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में चकाई से राजद के टिकट से सावित्री देवी विधायक हुई थी। वे 47,074 वोट प्राप्त कर विधायक की सीट पर काबिज हुई थी। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की बात करें तो INDY पार्टी से सुमित कुमार सिंह कड़ी टक्कर से हारे थे। उन्हें इस चुनाव में 34,951 वोट प्राप्त हुआ था। अभी साल 2010 की तरफ चले तो इस चुनाव में सुमित कुमार सिंह विधायक हुए थे। वे JMM पार्टी से थे और 21,809 वोट प्राप्त कर विधायक हुए थे। उनके विपक्ष उम्मीदवार की बात की जाए तो इस साल यहां से विजय कुमार सिंह लोजपा पार्टी से करीबी प्रतिद्वंदी रहे थे। उन्हें 21,621 वोट प्राप्त हुए थे और तकरीबन 188 वोट से पीछे रहे थे। चुनावी साल 2005 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो फरवरी माह में हुए चुनाव में लोजपा से अभय सिंह विधायक हुए थे। वहीं अक्टूबर माह में भाजपा से फल्गुनी यादव विधायक निर्वाचित हुए। चुनावी साल 2000 की तरफ चले तो इस चुनावी साल में निर्दलीय विधायक नरेंद्र सिंह विधायक रहे थे। वहीं साल 1995 की ओर देखें तो इस वर्ष यहां से भाजपा प्रत्याशी फाल्गुनी प्रसाद यादव विधायक रहे थे। साल 1990 के चुनाव परिणाम की ओर देखा जाए तो इस साल यहां जनता दल का कब्जा रहा था। जनता दल से नरेंद्र सिंह विधायक रहे थे। चकाई विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की बात की जाए तो चकाई विधानसभा में नवीनतम कार्य को पूरा किया गया। बिजली से वंचित गाँवों में रोशनी पहुंची, जो विकास के क्षेत्र में पहली सीढ़ी है। गाँव में विद्यालय का निर्माण कराया गया, कई स्कूल भवनों का निर्माण हुए, पेयजल की व्यवस्था घर घर तक कराई गई। चुनावी मुद्दों की तरफ अब हम रुख करें, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक किसानों की सिंचाई की समस्या अहम है। मानसून पर निर्भरता के वजह से आज भी यहां कृषि की समुचित विकास नहीं हो सका है। रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को पलायन की राह देखना पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो चकाई विधानसभा सीट से राजद ने सावित्री देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार सावित्री देवी ने JMM के सुमित कुमार सिंह को हराकर जीत हासिल की। वहीं NDA की तरफ से जदयू प्रत्याशी संजय प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा लोक समता पार्टी से तबेज अंसारी भी मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी संजय पांडे ने भी नामांकन भरा है। कुल मिलाकर यहां की लड़ाई दिलचस्प रहने वाली है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार भी सावित्री देवी अपना दबदबा बरकरार रख पाती हैं या फिर से संजय प्रसाद कुछ उलटफेर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप देखते रहिए बिहारी न्यूज।